हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम 2014 में आई हुई सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज़ को कवर करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 2014 की मूवीज़ को क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं ईयर वाइज हर साल की सबसे बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज़ को कवर करूंगा। और बिलीव मी, ये सीरीज़ बहुत कमाल की होने वाली है, जिसके अंदर आपको बहुत कमाल की साइंस फिक्शन मूवीज़ देखने को मिलेंगी। सो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी ने काफ़ी बार सुना होगा कि अगर इंसान अपनी दिमाग की क्षमता का ज़्यादा यूज़ करे तो वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसके पास सुपर पावर्स आ जाएंगी। पर अगर कोई इंसान अपने दिमाग की क्षमता का 100% यूज करे तो क्या होगा, वो आपको पता चलेगा इस मूवी को देखकर, जिसका नाम है लूसी। ये मूवी 2014 में आई थी। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है, जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो एक्सीडेंटली एक ड्रग डील में फंस जाती है, जिसकी वजह से इसके पेट की सर्जरी करके इसके पेट के अंदर एक ड्रग की थैली रख दी जाती है, एक पैकेट रख दिया जाता है, जो अचानक से लीक होने लगता है इसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये अपने दिमाग के उन हिस्सों को भी अनलॉक करना शुरू कर देती है जो आज से पहले कभी भी अनलॉक नहीं थे, जिसके बाद ये धीरे धीरे अपने दिमाग 100% क्षमता तक पहुंचने लगती है, जिसके बाद आगे क्या होगा वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में अमेज़न प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.4 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है बिग हीरो 6। ये मूवी 2014 में आई थी। एक एनिमेशन साइंस फिक्शन मूवी है। अब इसके नाम से आप ये मत सोचिए इसके 6 पार्ट्स आए हैं, ये एक ही मूवी है, खाली इसके अंदर 6 हीरोज हैं, इस वजह से इसका नाम बिग हीरो 6 है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जिसके पास एक नर्स रोबोट होता है, जिसका काम केवल लोगों का ध्यान रखना होता है, उनको ठीक करना होता है, लेकिन इसके सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं, जिसके बाद ये अपने उस रोबोट को ट्रांसफॉर्म करता है एक बहुत हाईटेक रोबोट में, और अपने 4 दोस्तों के साथ मिलके 6 सुपर हीरोज की टीम बनाता है, जो टीम हाईटेक है और ये विलन से लड़ने के लिए तैयार है। आगे क्या होता आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस मूवी को हॉटस्टार पे देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.8 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स। ये मूवी 2014 में आई थी। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2011 में आई हुई मूवी के बाद की, जहां पे 2011 में कुछ बहुत एडवांस सीरम की वजह से जितने भी एप्स थे उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसकी वजह से वो इंसानों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और अब उसके कई सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद, कहानी दिखाई गई उन्हीं एप्स की, जो काफी इंटेलिजेंट हो गए और अब ये लोग जंगलों के अंदर कबीले बनाकर रह रहे हैं, ताकि ये लोग सिक्योर रहें और ये लोग किसी भी तरीके का झगड़ा नहीं चाहते, और इनको ये लग रहा है कि इंसान पूरी तरीके से धरती से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि 10 साल पहले एक बहुत भयानक वायरस आया था, जिसकी वजह से सभी इंसान मर गए थे, बहुत कम इंसान बचे, और इंसानों को भी यही लग रहा है कि एप्स भी नहीं बचे। लेकिन एक दिन इन दोनों का सामना हो जाता है उस जंगल के अंदर, क्योंकि इंसान वहां पे एक पावर प्लांट ढूंढते हुए आए हैं, जिसके बाद आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले 7.6 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी गॉडज़िला, जो कि एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इंसानों की, जो लोग अपनी गलतियों की वजह से सदियों से सोए हुए राक्षसों को, मॉन्स्टर्स को, जो बहुत ज़्यादा महाकाय हैं, जो अकेले ही अमेरिका जैसी महाकाय सेना को भी ध्वस्त कर सकते हैं, वैसे मॉन्स्टर्स पृथ्वी के बाहर निकल जाते हैं और अब वो पूरी पृथ्वी पर कोहराम मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इंसान किस तरह उनसे लड़ता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पे, पर वहां पे ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द डबल, जो कि एक साइंस फिक्शन कॉमेडी मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक क्लर्क की, जो एक गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर काम कर रहा होता है, और इसकी लाइफ उस समय अपसाइड डाउन हो जाती है जब इसका कोवर्कर, जो कि अभी भी नया ज्वाइन हुआ है इस कंपनी के अंदर, वो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है, वो बिल्कुल इसका फिजिकल डबल है। कोई भी इन दोनों को देख के कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और अब दोनों को एक साथ काम करना होगा, जिसके आगे क्या होगा वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो मूवी 2014 में आई है। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। ये एक एमसीयू की सुपर हीरो मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स की, जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किसी तरह फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी सालों बाद बर्फ में से जमकर बाहर निकले, इस वजह से इनको काफी तकलीफ हो रही है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एडजस्ट करने में। लेकिन साथ ही साथ ये शील्ड के लिए भी काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए मिशंस कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इनको एक दिन पता लगता है एक बहुत खतरनाक एसेसिन की, जो हिस्ट्री से संबंध रखता है, और वो बहुत खतरनाक एसेसिन है जिसने बहुत से लोगों को मारा है, जिसको कहा जाता है विंटर सोल्जर। अब किस तरह उसको रोकते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी एज ऑफ टुमारो, ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अर्थ की, जहां पे एलियंस आक्रमण कर देते हैं और ये लोग पूरी पृथ्वी को बर्बाद करना चाहते हैं, यहां पे कब्जा करना चाहते हैं।
लेकिन सभी देश आपस में एकजुट होकर इनसे लड़ने की ठानते हैं और वो लोग इनसे लड़ते भी हैं। इसी बीच कहानी दिखाई गई हमारी मूवी के हीरो की, जिसे जबरदस्ती लाया जाता है बैटल फील्ड के अंदर ताकि एलियंस से लड़े, क्योंकि इसने अपने सुपीरियर्स की बात नहीं मानी, जिसका परिणाम इसको भुगतना पड़ रहा है कि इसे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है बैटल फील्ड के अंदर। इसे बैटल फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, किस तरह वेपन्स को यूज़ किया जाता है, किस तरह दुश्मनों से लड़ना है, ये सब कुछ इसे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये लड़ने जाता है जहाँ पे ये एक एलियन को मार भी गिराता है और ये खुद भी मर जाता है, जिसके बाद ये सीधे उसी दिन उठता है जिस दिन ये पहली बार लाया गया था बैटल फील्ड में, और यही चक्र चलता रहता है, ये मरता और वापस उसी दिन उठता है, जिसके बाद आगे क्या होगा वही आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये एक सुपर हीरो साइंस फिक्शन मूवी है, जिस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है बहुत सारे क्रिमिनल्स की, इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल्स की, जो लोग स्पेस में रहते हैं और ये लोग बहुत सारे क्राइम्स करते हैं अलग अलग प्लैनेट्स पे। लेकिन एक दिन इनके हाथ एक अनंत मणि लगती है, पावर स्टोन लगता है, जो मिनटों में किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो एक बहुत खतरनाक विलन के हाथ में लग गया जिसका नाम रोनिन है, और उसमें इन्हीं की गलती है, इनकी वजह से उनके पास वो पावर स्टोन पहुंचा है, जिसकी मदद से वो पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मचाएगा, हर किसी के ऊपर अत्याचार करेगा, पूरे ब्रह्मांड पे अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। अब कैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उसे रोकते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। ये एक बहुत कमाल की और इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन मूवी। अगर आपको स्पेस एडवेंचर एलियंस वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी इंटरस्टेलर, जो मूवी 2014 में आई है, ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अर्थ की, यानी पृथ्वी की, जो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही है। यहाँ पे अनाज नहीं उग रहा है, यहाँ पे कोई भी फसल नहीं उग रही है, धीरे धीरे पृथ्वी अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है। इंसानों को विश्वास नासा के ऊपर से और जितनी भी अलग अलग एजेंसीज हैं जो साइंस की मदद से दुनिया को बेहतर बनाना चाहती थी, उनके ऊपर से उठ गया, क्योंकि उन्होंने ही इस पृथ्वी को बर्बाद किया है। लेकिन सीक्रेटली नासा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि इन्हें एक वॉर्म होल के बारे में पता चला जो सडनली हमारे सौर मंडल के अंदर अपेयर हुआ है। इनको नहीं पता वहां पे उसे किसने लाया, क्यों लाया, लेकिन फिर भी इनके अंदर यह जिज्ञासा जरूर है कि ये लोग जाएं वॉर्म होल के पार, देख सकें वहां पे आखिर क्या है, क्या वहां पे इंसानों के लिए नए प्लैनेट्स हैं, क्या इंसान उसके पार जाकर बस सकते हैं। यही सब जानने के लिए ये लोग हमारे हीरोज को उस वॉर्म होल के पार भेजते हैं। वहां क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।